बात ऐसे रखना कि ग्राहकों को सुविधा नहीं मिल रही, ये सही नहीं है। पिछले साल भर में 20 बार हमने पेट्रोल पे दाम घटाया, 13 रुपया से ज्यादा दाम घटी पेट्रोल की, 16 बार डीजल में दाम घटी। मैं अगर एक बेंचमार्क मानूं, जून जुलाई 2014 से अभी तक पिछले 1.5 साल में लगभग 13 रुपया डीजल में भी दाम घटी। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में एक साइकिल चलता है, कम दाम कभी घटता है कभी बढ़ता है। जो कुछ पैसा बचा ग्राहकों को देने के बाद, आखिर ये कल्याणकारी राज्य है, ये एक वेलफेयर स्टेट है, सरकारों से जनता की अपेक्षा रहती है विकास के काम के लिए, पीने के पानी के लिए, बिजली के लिए, गांव की सड़क के लिए, स्वास्थ्य सेवा के लिए, आखिर पैसा कहां से आने वाला है। इसीलिए राज्य सरकारों ने भी कुछ वैट बढ़ाया है, केंद्र सरकार ने, विशेषकर काल वित्त मंत्री जी ने पार्लियामेंट में राज्यसभा के अंदर उसको क्लैरिफाई भी किया है कि हम जो केंद्रीय शुल्क रखते हैं उसके 42% तो राज्यों को चली जाती है फाइनेंस कमीशन की फैसला के कारण, बाकी जो पैसा बचता है उसको हम विशेष करके सड़कों में खर्चा करते हैं। क्या भारत में अच्छी सड़क नहीं होनी चाहिए? भारत के गांवों में पक्की सड़क नहीं होनी चाहिए? आखिर पैसा कहां से आएगा? इसीलिए पहले हमने जैसे आपको बताया, पिछले 1.5 साल में 20 बार पेट्रोल में, 16 बार डीजल में 13 रुपया तक हमने कटौती किया है। इसीलिए आज मुद्रास्फीति थोड़ा नियंत्रण में है। इसलिए इस प्रकार की समीक्षा करना, ग्राहकों को सुविधा नहीं मिल रहा है, जब कल दाम बढ़ेगी फिर एक्साइज ड्यूटी धीरे धीरे घट भी सकता है, ग्राहकों के ऊपर कम बोझ आएगा। ये तो एक, इस बार सरकार ने बिना वित्तीय कटौती करते हुए अपनी जो आमदनी का लक्ष्य रखा था, जो टैक्स कलेक्शन के लक्ष्य, रेवेन्यू कलेक्शन के लक्ष्य रखा था, उसको पूरा कर रहा है। ये तो अर्थनीतिक सुपरिचालन का एक प्रक्रिया ही है।